पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने ही निगम के बारिश को लेकर किए गए कई तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है, जिसका नजारा इंदौर स्मार्ट सिटी के दफ्तर के बाहर देखने को मिला, जहां जल जमाव से बमुश्किल अफसर खुद दफ्तर तक पहुंच पाए। देखिए खास खबर। दरअसल नगर निगम द्वारा बारिश के पूर्व ही जल जमाव की स्थिति को रोकने के लिए कई कवायदे की थी, लेकिन बारिश के शुरुआती दौर में ही शहर के कई स्थानों पर जल जमाव स्थिति निर्मित हो गई। वहीं जल जमाव की इस परेशानी से स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी अछूता नहीं रहा। वहां भी आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को रास्ते में जमे बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहीं स्मार्ट सिटी के बाहर जल जमाव का आलम यह था कि पैदल आने वाले लोग भी बमुश्किल दफ्तर तक पहुंच पाए। वहीं इस मामले में निगम आयुक्त का कहना है कि जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए निगम लगातार काम कर रहा है, साथ ही इस जल जमाव के पीछे निगम के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जल जमाव के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कहीं भी इस प्रकार की स्टॉर्म वाटर चोक है या लाइन चोक है, हमारे द्वारा उनको सुधारने का काम किया जा रहा है। और कुछ जगहों पर जो हमारा ड्रेनेज डिपार्टमेंट है और उसके जो दरोगा हैं, उनकी लापरवाही भी सामने आई है। ऐसे 3-4 लोगों के ऊपर आज हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर निगम आयुक्त ने इस परेशानी में संज्ञान लेते हुए जिम्मेदारों को व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।